नमस्कार, मैं सुनील पांडे एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। अभी का मुद्दा है कि आज 29 दिसंबर को बीएसएससी प्रथम पाली की परीक्षा सीजीएल 3 का रद्द होने के बावजूद लड़के खुश नहीं हैं। इस निर्णय से उनमें शांति नहीं आई है। छात्रों का मानना है कि यह अन्याय है और यह 2017 जो सीजीएल 3 की परीक्षा थी बीएसएससी, उसी की पुनरावृत्ति है। आपको मालूम होना चाहिए 2017 में भी पेपर आउट हुआ था, सरकार भी मान ली थी, बीएसएससी मान लिया था, लेकिन हुआ क्या, एग्जामिनेशन रद्द नहीं हुआ। लड़के उसी परीक्षा के आधार पर चयनित हुए, भले उसके अध्यक्ष और चेयरमैन को जेल की हवा खानी पड़ी। फिर से इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। सीजीएल 3 के प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हो गई। 24 दिसंबर को हमने इस खबर को आपके सामने रखा था, उसका विश्लेषण हमने किया था और यह कहा था कि बीएसएससी और आर्थिक अपराध इकाई इस बात को मान रही है कि पर्चा लीक हुआ था। 2 दिनों के बाद इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन रद्द पूरी परीक्षा को नहीं करके सिर्फ सीजीएल के प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया गया। अब सवाल उठता है कि उस प्रथम पाली में जो शामिल बच्चे हुए थे, जो दावा है बीएसएससी का अगले 45 दिनों में उनकी परीक्षा ली जाएगी, तो फिर आखिर उनकी व्यवस्था क्या होगी, उनका मूल्यांकन कैसे होगा, और बाकी के 2 पाली में जो बच्चे शामिल हुए उनका मूल्यांकन, और इस पाली में बचे हुए बच्चे जो पुनर्परीक्षा में शामिल होंगे आखिर कैसे करेगा। इसी बात को लेकर शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षाविद या कोचिंग संस्थान चलाने वाले कई एक्सपर्ट या छात्र नेता या बेरोजगार बच्चे इस बात से नाराज हैं। वो मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनर्परीक्षा हो। इसी मुद्दे को लेकर आज ट्वीट के जरिए प्रदेश के सारे लड़के जुटेंगे और एक महाआंदोलन की तैयारी हो रही है। जो मेरी जानकारी में है, 4 जनवरी से महाआंदोलन की तैयारी की जा रही है और इस पूरे आंदोलन को एक बड़ा रूप देकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, बीएसएससी पर दबाव बनाया जाएगा कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। मेरा मानना है कि कृपया बेरोजगार युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। पेपर आउट होना एक पूरे देश की समस्या हो गई है, लेकिन बिहार लगातार इस मामले में बदनाम रहा है। बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या इवन सिपाही की भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पत्र आउट होने की खबरें मिलती रही हैं। इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। बिहार प्रतिभा के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पैरेलली परीक्षा में धांधली, चीटबाजी, ऐसे कारनामों के लिए एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है जो शायद क्लास 10th की परीक्षा की है। आज जब भी आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, वो तस्वीर सामने आ जाती है। तो जो इन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कृपया ऐसा न करें और बीएसएससी की परीक्षा सीजीएल 3 के लिए जो भी बन पड़े बेहतर नतीजा लाएं, जिससे कि सारे बच्चों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।